नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं थिएटर में रिलीज हुई एक बॉलीवुड फिल्म के बारे में जिसका नाम है सेल्फी। इसके लीड रोल में आपको नजर में आएंगे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है राज मेहता, जो इससे पहले गुड न्यूज नाम की फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। अब ये जो फिल्म है ये मलयालम फिल्म ड्राइविंग लाइसेंस की ऑफिशियल रिमेक है, जहाँ पे पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में नजर में आए थे। अब इस फिल्म को देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे ये फिल्म एक टाइम पास फिल्म लगी। मतलब कि इस फिल्म में देखने लायक ऐसा कुछ खास नहीं था। अगर आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है, तो एक सिर्फ टाइम पास के लिए ये फिल्म देखी जा सकती है। फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन की बात करें तो अक्षय कुमार बहुत ही बड़े सुपरस्टार होते हैं, फिल्म में बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, और इमरान हाशमी और उनका बेटा अक्षय कुमार का बहुत ही बड़े फैन होते हैं। जहां पे शूटिंग की एक जगह के लिए अक्षय कुमार को अपने ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और उनके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो वो नया ड्राइविंग लाइसेंस निकलवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाते हैं, जहां पे इमरान हाशमी और अक्षय कुमार के बीच में कुछ ऐसे योगानुग हो जाते हैं कि उनके बीच में लड़ाई हो जाती है। और इमरान हाशमी अक्षय कुमार का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कानूनी तरीके से ही बनाना चाहते हैं। अब उनमें क्या-क्या दिक्कतें आती है ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, इस फिल्म में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे होगे कि आपको कुछ हल्की फुल्की कॉमेडी देखने को मिलेगी या फिर कुछ ऐसा नयापन देखने को मिलेगा, तो सॉरी टू से फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कुछ कॉमेडी सीन मुझे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे कि मैं हंस हंस के लोटपोट हो जाऊं, लेकिन वहां पे भी फिल्म ने मुझे निराश ही किया है। फिल्म में व्हाट्सएप के जोक्स और जो वायरल वीडियोज होते हैं उनका एक तरीके से हिस्सा लिया गया है और फिल्म में डाला गया है। फिल्म में कुछ कुछ जगह पे जो वायरल वीडियोस नहीं होते एमटी और ये जो वीडियोस होते हैं, या फिर पिछवाड़े में से अखरोट तोड़ना और बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं जो फिल्म में डाले गए हैं, जो देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। ऊपर से जो व्हाट्सएप के जोक्स होते हैं कि सड़क के किनारे अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो और बीच में कुत्ता बिल्ली और इंसान होता है तो आप क्या मारोगे, तो वो बोलते हैं मैं ब्रेक मारूंगा। ये सब व्हाट्सएप के जोक्स हैं, इन पे हंसी नहीं आती, और इन पे अगर फिल्म बनाते हो तो ऑडियंस पागल हो जाती है। पहले फरहाद सामजी ये किया करते थे और अब ऐसा लगता है कि हर एक डायरेक्टर अब उनकी ही तरह बनना चाहता है। वो लोग कॉमेडी सीन क्रिएट करना चाहते हैं, जानबूझ के हंसाना चाहते हैं, ऐसे हंसी नहीं आती। वो हंसी लिटरली आपके अंदर आनी चाहिए। आप ऐसा सोचोगे कि ऑडियंस को आप कुछ भी परोस दोगे और ऑडियंस देखने जाएगी तो मजा नहीं आएगा। फिल्म में परफॉर्मेंस की बात करें तो किसी का भी परफॉर्मेंस कुछ खास ऐसा लगता नहीं है। अक्षय कुमार अपने जो जैसा अंदाज रहता है उनका 30-40 दिन में फिल्में खत्म करने का, वैसा ही अंदाज उनका है। कुछ डायलॉग डिलीवरी में भी कुछ वो खास इंप्रूवमेंट करते नहीं है, और अब तो ऐसा देखा जा रहा है कि अक्षय कुमार गिरते ही जा रहे हैं। मतलब कि वो कुछ भी इंप्रूवमेंट करना नहीं चाहते अपनी फिल्मों के लिए। जहां पे इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस मुझे ठीक ठाक ही लगा, मतलब कि पहली बात तो बहुत समय के बाद इमरान हाशमी थिएटर में देखने को मिले हैं, तो वो एक अच्छी बात होती है इमरान को थिएटर में देखना, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास ऐसा परफॉर्मेंस दिया नहीं है। फिल्म के गाने भी कुछ ऐसे खास लगते नहीं है, मतलब कि थिएटर में जब बजते हैं तो सुनने का मन भी नहीं करता है। फिल्म 2 घंटे से भी ऊपर की है और कुछ कुछ जगह पे बोरिंग भी हो जाती है। फर्स्ट हाफ तो थोड़ा बहुत टेरिबल है, लेकिन दूसरा हाफ तो भाई देख ही नहीं सकते। मतलब इतने सारे इलॉजिकल सीन डाले गए हैं कि समझ में नहीं आता। शुरुआत में बोलते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बन नहीं सकता, आरटीओ ऑफिस ने मना कर दिया है, और जब लास्ट में जाके इमरान हाशमी वही आरटीओ ऑफिस से अक्षय कुमार का ड्राइविंग लाइसेंस बना देते हैं, तो कुछ कुछ सीन बहुत सारे इलॉजिकल लगते हैं। तो अगर आपके पास कुछ भी कंटेंट देखने के लिए नहीं है और आप एक बॉलीवुड फिल्म देखना चाहते हैं तो आप एक बार के लिए जरूर से देख सकते हैं, बाकी इस फिल्म में ऐसा कुछ खास तो था ही नहीं। कॉमेडी भी ये एकदम फ्लैट मालूम पड़ती है। मैं इस फिल्म को दूंगा 4 out of 10 stars। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।